भारत और श्रीलंका के बीच पेटीएम T20 सीरीज का तीसरा एवं निर्णायक मुकाबला अब से कुछ ही देर में पुणे के स्टेडियम में शुरू हो रहा है। बता दें आपको कि श्रीलंका के कप्तान लसित मलिंगा ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी का फैसला किया। बता दें आपको कि आज भारतीय टीम के कप्तान विराट कोहली ने ये साफ कहा कि वो भी अपनी टीम की तरफ से बल्लेबाजी करना चाहते थे और श्रीलंका ने उन्हें बल्लेबाजी का मौका दिया। विराट ने कहा कि उन्होंने अपनी टीम में 3 बदलाव किए हैं और 3 बदलाव काफी अहम माने जा रहे हैं। ऋषभ पंत की जगह आज संजू सैमसन को शामिल किया गया है। संजू सैमसन 2015 के बाद पहली बार टीम इंडिया के लिए खेलेंगे। अब तक सिर्फ एक T20 अंतर्राष्ट्रीय मुकाबला खेले हैं भारतीय टीम के लिए। वहीं संजू सैमसन के अलावा कुलदीप यादव की जगह युजवेंद्र चहल को टीम में लाया गया है और शिवम दुबे की जगह मनीष पांडे को टीम में शामिल किया गया है। यानी कि आज की प्लेइंग 11 की बात की जाए तो विराट कोहली, केएल राहुल, शिखर धवन, मनीष पांडे, संजू सैमसन, युजवेंद्र चहल, नवदीप सैनी, वॉशिंगटन सुंदर, जसप्रीत बुमराह और शार्दुल ठाकुर खेलते हुए नजर आएंगे। भारतीय टीम को अगर ये मुकाबला जीतना है पुणे में, क्योंकि वो 8 साल से जीती भी नहीं है यहाँ पर कोई भी T20 मुकाबला, ऐसे में अगर जीतना है भारतीय टीम को तो आज ज्यादा से ज्यादा रन बनाने होंगे। अब देखना होगा कि कौन सी टीम आज बाजी मारती है। ANP न्यूज रूम की रिपोर्ट।